करते हैं सबसे पहले हमारे बीच में ऑनरेबल मनमोहन सिंह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस कार्यक्रम में मैंने आपके लिए भोजन का भी इंतजाम किया है। ताकि हमारे दिव्यांग भाई बहनों में कुपोषण का खतरा न रहे। राजनाथ सिंह जी, निश्चित तौर पर देश के किसी भी कोने से चाहे जो भी दिव्यांग आए उनके सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारे सरकार पर है और सरकार के दिव्यांगजनों का कहीं भी और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा का भी दायित्व है, तो रक्षा मंत्रालय कहीं भी झुकेगा नहीं और आप सबके लिए अद्भुत प्रयास करता रहेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं तो उससे पहले हमारे क्राउड बहुत चेयर करती है, आपने हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी देखा होगा। अब एंकर बोला हमारे बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, क्राउड। भारत माता की, भारत माता की, मन पर विराजमान राज्यपाल साहब के सलाहकार श्रीमान फारूक खान जी, श्रीमान गुप्ता जी, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर श्री संदीप मेहरा जी एवं दूर दराज से आए हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भाइयों बहनों, हमारा जगह छोटा हो सकता है लेकिन हमारे सपने छोटे नहीं हो सकते। भाइयों बहनों, हमारी संख्या कम हो सकती है लेकिन हमारे उड़ान कम नहीं हो सकते, ऐसा मेरा विश्वास है। हम तमाम प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं और ऐसे में जब यहां पर हमारे सलाहकार महोदय भी बैठे हुए हैं, क्या हम इस शिक्षक भवन में बैठकर दिव्यांगों के लिए जम्मू कश्मीर में नए शिक्षा भवन बनाने का संकल्प कर सकते हैं क्या? और मुझे लगता है इस नई हवा बहने वाले जम्मू में दिव्यांग के क्षेत्र में भी नई हवा का बहना महसूस होना चाहिए। आप मुझे बताइए, होना दिव्यांगों के लिए योजना बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? भाइयों बहनों, हम सिनेमा देखते हैं उसमें भी बड़ा परिवर्तन नजर आता है। पहले के गाने में कितना कॉन्फर्मेशन होता था जी, बोला जाता था अंगना में बाबा दुआरे पे माँ कैसे आए गोरी हम तोरे घर में, तब एक रिप्लाई आता था कि खेत गए बाबा बाजार गई माँ अकेली हो घर मा तू आजा बाबा। लेकिन आज के गाने में क्या नया हो रहा है, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, फूल बिछा के परफ्यूम लगा के मूड बनाओ ताजा ताजा। भाइयों बहनों, ऐसा नहीं है कि हमारे सरकार ने प्रेमियों के लिए कुछ नहीं सोचा है,
हमने प्यार करने वालों के लिए भी बहुत कुछ सोचा है। हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री प्रियतम प्रोत्साहन प्रोग्राम। प्यार करने वाले हरेक युवा को सरकार 500 रुपए महीने का भत्ता देने जा रही है। अब लड़के तो कहेंगे कि मेरे तो मोबाइल रिचार्ज का हो गया, लेकिन लड़कियां कहेंगी मेरे साड़ी कपड़े का क्या होगा, और सोच रहे होंगे कि इसका तो दूर दूर से नेता नहीं कुछ करेगा है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मासूका मदद योजना। प्यार करने वाली हरेक युवती को सरकार 1000 रुपया महीने का भत्ता देने जा रही है। भाइयों बहनों, एक ऐसा भी तबका रह जाता है जिसकी उम्र तो बढ़ती है किंतु विवाह नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए आखिरी योजना है अटल कुमारा कल्याण कार्यक्रम। ऐसे सभी लोगों का विवाह करा करके सरकार ने योजना को पूरा कर रही है। आप मुझे बताइए, योजना लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए। One day. Thank you.